किसी ने क्या खूब कहा है, लोग दूसरों की बुराई करने में जो वक्त लगाते हैं उस वक्त में खुद को बेहतर बनाने में काम करें तो दुनिया बदलते देर नहीं लगती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। आज की कहानी से हम सीखेंगे कि अपने काम या लक्ष्य पर ध्यान देने से क्या होता है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है अनसुनी बुराई। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार स्वामी विवेकानंद रेल से कहीं जा रहे थे। वह जिस डिब्बे में सफर कर रहे थे उसी डिब्बे में कुछ अंग्रेज यात्री भी थे। उन अंग्रेजों को साधुओं से बहुत चिढ़ थी। वे साधुओं की भरपेट निंदा कर रहे थे। साथ वाले साधु यात्री को भी गाली दे रहे थे। उनकी सोच थी कि चूंकि साधु अंग्रेजी नहीं जानते, इसलिए उन अंग्रेजों की बातों को नहीं समझ रहे होंगे। इसलिए उन अंग्रेजों ने आपसी बातचीत में साधुओं को कई बार भला बुरा कहा। हालांकि उन दिनों की हकीकत भी थी कि अंग्रेजी जानने वाले साधु होते भी नहीं थे। रास्ते में एक बड़ा स्टेशन आया। उस स्टेशन पर विवेकानंद जी के स्वागत में हजारों लोग उपस्थित थे, जिनमें विद्वान एवं अधिकारी भी थे। यहां उपस्थित लोगों को संबोधित करने के बाद अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर स्वामी जी अंग्रेजी में ही दे रहे थे। इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते देखकर उन अंग्रेज यात्रियों को सांप सूंघ गया जो रेल में उनकी बुराई कर रहे थे। अवसर मिलने पर वे विवेकानंद जी के पास आए और उनसे नम्रतापूर्वक पूछा, आपने हम लोगों की बात सुनी, आपने बुरा माना होगा। स्वामी जी ने सहज शालीनता से कहा, मेरा मस्तिष्क अपने ही कार्यों में इतना अधिक व्यस्त था कि आप लोगों की बात सुनी भी, पर उन पर ध्यान देने और उनका बुरा मानने का अवसर ही नहीं मिला। स्वामी जी का यह जवाब सुनकर अंग्रेजों का सिर शर्म से झुक गया और उन्होंने चरणों में झुककर उनकी शिष्यता स्वीकार कर ली। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें सदैव अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और यदि हम लोगों की बातों से विचलित हो गए तो समझिए कि आपका अपने पर नियंत्रण नहीं। स्वामी जी के जीवन से यही प्रेरणा हमेशा मिलती है कि अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो, अपने काम पर केंद्रित रहो, इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दो। और मैं प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करने के लिए बोलता हूँ, जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी, और कमेंट्स करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।